नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में हम बाजार में सबसे एक्शन वाली कमोडिटीज का जायजा लेते हैं। मार्केट एक्सपर्ट की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा तेजी या मंदी के बाद आगे चाल कैसी रहेगी। तो खरीफ का सीजन शुरू हो गया है। मंडी में नए सोयाबीन, मूंग और उड़द की आवक शुरू हो गई है। सरकार ने इस साल के लिए एमएसपी में जोरदार बढ़ोतरी भी की है, लेकिन बाजार में इनका दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से करीब 20-40% नीचे चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार नई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का भी ऐलान किया था, लेकिन बाजार को फिलहाल अभी तक इसका सपोर्ट नहीं मिल सका है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कॉटन ने सीजन की शुरुआत 20% की मजबूती के साथ जरूर की है, लेकिन करेंसी मार्केट में उठापटक और ट्रेड वॉर को देखकर इसके आगे की चाल पर सबकी नजरें हैं। आगे हम जानेंगे दाल, तिलहन और कॉटन की चाल। इन सभी कमोडिटीज और इनके आगे में कैसा लगता है, क्या आउटलुक रहेगा, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कमोडिटी गुरु श्री चंद्रशेखर, ग्रो वैल्यू कमोडिटीज के डायरेक्टर रुपेश दलाल और इंडिया निवेश के कमोडिटीज के प्रेसिडेंट मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर सोयाबीन की, जहां पर हमने काफी ज्यादा उठापटक आते हुए देखी है। और भावों की अगर बात की जाए तो ऑफकोर्स जिस तरह के भाव हमने पूरे साल में आते हुए देखे थे, वहां से थोड़ा प्रेशर यहां पर देखने को मिला है। बाजार भारतीय मांग, उसके सप्लाईज, इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई और ऑफकोर्स जैसी रुपये और डॉलर की चाल रही है, उस सब पर ही नजर रखे हुए है। चंद्रशेखर जी, आपसे अब सबसे पहले यहां पर शुरुआत करना चाहूंगी। हमारे पास ऑफकोर्स अब मानसून खत्म हो चुका है, आवक यहां पर धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। जिस तरह के भाव हम यहां पर फिलहाल देख रहे हैं, आपका क्या जायजा है, किस तरह के इंपोर्ट्स यहां पर देखने को मिलेंगे? आगे जाकर के दो महीने में मैं खास दबाव देख रहा हूं सोयाबीन में, तिलहन क्षेत्र में, खास करके सोयाबीन में, क्योंकि अराइवल प्रेशर जो कहा जाता है वो जारी रहेगा। और इस अराइवल प्रेशर के ऊपर हम भी देख रहे हैं सोयाबीन तेल का इम्पोर्ट, तो ये दोनों का असर हमें दिखाई देगा जरूर मार्केट में। और सोयाबीन काफ़ी दबाव में रहने का संभावना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक निर्यात का एक मौका है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, जो चीन में हमें माल बेचना चाहिए, सोयाबीन हो या सोया एक्सट्रैक्शन हो, मगर चीन में एक पाबंदी लगाया है क्वालिटी कंसिडरेशंस के वजह से, वो हमारा सोयाबीन एक्सट्रैक्शन नहीं ले रहे हैं। तो हमारा सरकार को चीन से बात करना पड़ेगा, और जैसे चीन अपना मार्केट खोलता है तो मुझे लगता है कि सोयाबीन का जो डोमेस्टिक भाव है उसे एक अच्छा उछाल मिलेगा। जब तक चीन का जो एक्सपोर्ट का दरवाज़ा, खिड़की खुल नहीं रहा है, तो हमारा मार्केट काफ़ी सोयाबीन का भाव दबाव में रहेगा 2 या 3 महीना तक। रुपेश, आपको भी शामिल करना चाहेंगे यहाँ पर चर्चा में। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात की जाए तो भाव यहाँ पर 10 साल के निचले स्तर पर हैं। जिस तरह की आवक हम शायद यहाँ पर यूएस से आता हुआ देखेंगे, और जो यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर कंसर्न्स हैं, उसका इम्पैक्ट, उसके नीजोक रिएक्शंस तो ऑफकोर्स हमने भावों में आते हुए देखे ही हैं। लेकिन अब आप जहां पर अब हम यहां पर खड़े हैं, जैसे चंद्रशेखर जी ने भी कहा, अब आपको क्या लगता है भाव अभी कैसे हैं, किस तरह की आवक देखने को मिल रही है, और आपका क्या नजरिया है, कैसे यहां पर भाव रह सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली अगर ये साल की सिचुएशन देखें तो थोड़ी सिचुएशन थोड़ी पिक्लियर हो गई है। अभी रिसेंटली आई विजिटेड मराठवाड़ा, विदर्भ, नॉर्थ गुजरात एंड मध्य प्रदेश, वहाँ पे जो पिछले 10 साल में नहीं देखा गया ऐसा है। पर्टिकुलरली अक्टूबर महीने में जो हिसाब से गर्मी चाहिए और थोड़ा मौसम, बारिश भी एक दो बारिश आ जाती है, वो बारिश की अभी कमी दिख रही है। एंड द टेम्परेचर इज अराउंड 38-40 डिग्री। तो ये सिचुएशन के हिसाब से जो सोयाबीन, जो पहले ये सीजन में 13-14% के आसपास का मॉइस्चर आता है, उसके बदले में अभी 8-9% के आसपास का मॉइस्चर आ रहा है। एंड फार्मर्स लोग भी जो भाव थोड़े एट्रेक्टिव हो रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो भावांतर की योजना शुरू होने वाली है, उसके पहले ही अराइवल्स का प्रेशर बाजार में देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है दशहरा के बाद में अराइवल्स का प्रेशर नेक्स्ट एक महीने तक और बढ़ेगा, तो भाव ये भाव से अप्रोक्सीमेटली 100-150 रुपीज के आसपास की गिरावट की संभावना दिख रहे हैं, पर्टिकुलरली सोयाबीन में। सभी यहाँ पर गिरावट की बात कर रहे हैं, पर चंद्रशेखर जी आपके पास फिर से आना चाहूंगी, और एमएसपी की बातचीत ऑफकोर्स हमने बहुत ज्यादा करी है पिछले कई महीनों में। जो सोयाबीन की जहां तक बात है, ऑफकोर्स इसकी प्रोक्योरमेंट पे सरकार का काफी ज्यादा ध्यान रहा है, भावांतर स्कीम जो है, आपको क्या लगता है कितना यहाँ पर सपोर्ट कर पाएगी प्राइसेस को
पिछले साल भी मध्य प्रदेश ने भावांतर भुगतान योजना का एक एक्सपेरिमेंट किया था. उस एक्सपेरिमेंट में अच्छा लाभ तो मिला, अच्छा फ़ायदा हुआ, मगर देर आर ऑल्सो काफ़ी उसमें कमज़ोरियां हैं. उस कमज़ोरियों को दूर करना चाहिए. राजस्थान में माल राजस्थान से माल घुस गया मध्य प्रदेश में, और किसानों से व्यापारी माल लेकर के भुगतान स्कीम में दे दिया है. तो देर आर वीकनेसेस इन द स्कीम. एमएसपी का कोई भी फायदा यहाँ पर भावों में देखने को मिलेगा? मुझे लगता है जो एमएसपी सरकार ने बढ़ाया है किसान को ज़्यादा ज़्यादा आमदनी मिलने के लिए, वो सिर्फ एमएसपी से किसान को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कई बार लिखा है, बात किया है कि सिर्फ एमएसपी से काम नहीं होगा. वी नीड एमएसपी प्लस प्लस. ए प्लस प्लस क्या होता है? एक है प्रोक्योरमेंट, रोबस्ट प्रोक्योरमेंट सिस्टम, और दूसरा है जो अन्य फैक्टर्स है जो विच इम्पैक्ट प्राइसेस, फॉर एग्जांपल एडिबल ऑयल इम्पोर्ट. तो जब ज़्यादा इम्पोर्ट होता है, क्योंकि विश्व बाजार में भाव कम है और हमारा ड्यूटी अभी एकदम मॉडेस्ट लेवल में है, तो उसका भी असर हमें डोमेस्टिक मार्केट में दिखाई देता है. देयरफॉर सिर्फ एमएसपी का ऐलान होने से किसान को फायदा नहीं मिलेगा. हमें चाहिए एक रोबस्ट प्रोक्योरमेंट सिस्टम, और उसका साथ साथ ए वेरी गुड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, ए गुड इम्पोर्ट टैरिफ पॉलिसी. ये सब साथ में मिल करके ही मार्केट का ऊपर असर लाएगा. मगर हमारा देश में ऐसा है, सरकार में वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय अलग निर्णय लेता है, वाणिज्य मंत्रालय अलग निर्णय लेता है, कृषि मंत्रालय अलग निर्णय लेता है. दे नीड टू वर्क टुगेदर. एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, वो नहीं है. जी हाँ, वो दिक्कत शायद बहुत जल्दी अभी जाएगी भी नहीं यहाँ से. लेकिन मनोज, आपको यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहेंगे. सोयाबीन में हमारी बाकी दोनों एक्सपर्ट्स की राय यही है कि भाव गिरेंगे, फसल इस बार बेहतर है, और एमएसपी का भी बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा नहीं है. तो एक तो सोयाबीन पे बात करिए, और दूसरा कैस्टर पे भी. ऑफकोर्स जहाँ पर फसल के नुकसान की वजह से हमने प्राइसेस में काफी ज्यादा बढ़त बनते हुए देखी है, इन दोनों में ही आपका क्या नजरिया? नमस्कार मनीषा, बिल्कुल जैसा कि दो एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे कि सोयाबीन में कीमतों में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली अभी जो अगला एक महीना है वो फुल अराइवल का जो है मंथ रहेगा. तो जैसे जैसे अराइवल्स बढ़ेगी तो यहाँ पे कीमतों में एक दबाव जो है वो स्वाभाविक रूप से देखने को मिलेगा. लेकिन मेरा मानना है कि निचले स्तरों पर कहीं ना कहीं 3150 से 3180 के रेंजेस में फिर से धीरे धीरे खरीदारी भी लौटती हुई दिखेगी, क्योंकि जिस तरह से सॉइल का मॉइस्चर है अभी, जिस तरह से जो गर्मी का रुपेश भी बता रहे थे, तो जो रबी का जो ऑयल सीड का क्रॉप है वहां कहीं ना कहीं इम्पेक्ट देखने को मिलेगा, तो उसकी वजह से भी सोयाबीन की कीमतों में सपोर्ट रहेगा. दूसरा, रुपी की वीकनेस जो है वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है आने वाले समय में. तो मेरा मानना है कि निचले स्तरों पर कहीं ना कहीं 3150 के आसपास सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, और गोइंग फॉरवर्ड अगर 3 महीने के नजरिए की बात करें तो फिर से कीमतें एक बार 3400 से 3450 रुपए तक जो है एक बार सोयाबीन में देखने को मिल सकती है. और कैस्टर में आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार ऐसा माना जा रहा है कि करीबन 20-30% यहाँ पर फसल कम है, बारिश की जैसी रही है. कैस्टर में आप कहेंगे यहाँ से और बढ़त देखने को मिलेगी, या वो फैक्टर इन हो चुका है भावों में? नहीं, कैस्टर में जो बढ़त है ग्रेजुअली वो बरकरार रहेगी. लेकिन हालांकि अभी जिस तरह से लगभग 10-12% की मजबूती देखने को मिली है निचले स्तरों से, तो एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है. लेकिन मेरा मानना है कि 5000 का जो स्तर एनसीडीएक्स पे वो एक स्ट्रांगली जो है होल्ड करता हुआ दिखेगा आने वाले समय में, और यहाँ पे भी जो है बढ़त बरकरार रहेगी. कीमतें कहीं ना कहीं एक बार 5500 से 5700 के रेंजेस में अगले 2 से 3 महीने में दिख सकती है. तो यहाँ पे भी गिरावट में खरीदारी का नजरिया रखना चाहिए. जी, ये तो हुई बात दाल तिलहन की, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर कपास की भी, क्योंकि वहां पर जैसे हमने आपको बताया कि जब सीजन की शुरुआत हुई थी तो भावों में अच्छी खासी बढ़त थी, लेकिन उसके बाद हम इसे यहाँ पर बरकरार होता हुआ नहीं देख पाए. चंद्रशेखर जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह की मूव्स यहाँ पर अब कॉटन में देखने को मिल सकती है? ऑफकोर्स चाइना यहाँ पर भी एक बड़ा मार्केट है, लेकिन जिस तरह की प्रोडक्शन भारत में हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं, किस तरह के एक्सपोर्ट्स, किस तरह की डिमांड, क्या नंबर्स के साथ आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल, कपास में मैं जरा बड़ा उछाल देखता हूँ जनवरी महीना का बाद, क्योंकि आवक जैसे ही जारी रहेगा आगे 2 महीने में काफ़ी अराइवल प्रेशर रहेगा मार्केट में. मगर अभी तो एक एक मौका है टू बिल्ड इन्वेंट्री, और चीन में से काफ़ी इंक्वायरीज आ रहे हैं, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुके हैं. बांग्लादेश भी अपना से भारत से ले रहा है रुई. तो आई थिंक चीन और बांग्लादेश मिल करके एक बहुत दो बड़ा मार्केट है हमारे लिए. तो मैं कॉटन में काफ़ी
bullish hoon in terms of prices. Magar ye jo bhav mein uchhal aayega, it will start from January, kyunki tabhi arrivals kam ho jayega, inventory rahega sabka haath mein, aur export jari rahega. Aur ek cheez hai jo sarkar ka lakshya tha, target tha utpadan ka, jo 355 lakh bales bori, utna कृषि मंत्रालय का अंदाज में एक्चुअल प्रोडक्शन काफी नीचे है, 325 लाख बोरी है, तो यानी कम से कम 30 लाख बोरी कम है लक्ष्य से एक्चुअल प्रोडक्शन में, तो इसका भी काफी दबाव रहेगा. मगर ये जो आंकड़े हैं, उत्पादन के आंकड़े काफी प्रिलिमिनरी है. मैं समझता हूँ नवंबर एंड अर्ली दिसंबर में एक ठोस नंबर, रियलिस्टिक नंबर हमें मिलेगा. जी रुपेश, आपके पास आना चाहेंगे. कपास में आपका क्या व्यू है, क्योंकि ये परहैप्स काफी सालों में से ये कमोडिटी है जो एमएसपी के ऊपर कारोबार कर रही है, और फायदा ये भी है कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने सेंटर्स ऑलरेडी खोल दिए हैं, प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है. इसका कितना फायदा आप प्राइसेस में देखेंगे? नहीं, डेफिनेटली कपास विल बी द हैपनिंग कॉमोडिटी फॉर दिस ईयर, ऐसा लग रहा था, बिकॉज प्राइसेस आर क्वाइट हाई, एमएसपी लेवल के ऊपर चल रहे हैं. जिनर्स को प्रॉफिट हुआ है, ट्रेडर्स को प्रॉफिट हुआ है, मिलर्स को प्रॉफिट हुआ है. एंड अगले सितंबर महीने में जो ट्रेड एस्टिमेट था अराउंड 375 टू 380 लाख बेल्स के आसपास का ट्रेड एस्टिमेट था, लेकिन जो 15-20 डेज से जो वेदर चेंज हुआ है, जो हीट हो रही है, वो हिसाबसे अभी जो नया एस्टिमेट जो ट्रेड एस्टिमेट डाल रही है अराउंड 5-7% के आसपास का यील्ड कम आ सकता है, ऐसी उम्मीदें यहाँ पे बाजार में बता रहे हैं. अगर नेक्स्ट 15 डेज में बारिश नहीं आई तो अगेन ये इसमें 5-7% के आसपास का फॉल आ सकता है. मुझे सर लग रहा है कि एट प्रेजेंट अराइवल शुरू होने के बाद में अराउंड 500-700 रुपीज पर बेल के हिसाब से एक बार इसमें डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन अराउंड 22,000 के आसपास बाजार स्टेबल होकर वापिस मिड 15 दिसंबर के बाद में जैसे ही चाइना की डिमांड शुरू हो जाएगी, ऐसे इसमें अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है. चलिए, इंटरनेशनल डिमांड, मौसम, एमएसपी, आवक, प्रोडक्शन, सभी चीजों पर हमने बात करी है, जहां तक खाने के तेल और कपास की बात है. अब हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आगे नजर होगी दाल के बाजार पर. जानेंगे क्या दाल के यहां पर फंडामेंटल नजर आते हैं, क्या किसानों को मिल सकेगी उनकी उपज का वाजिब दाम. कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है. अब बात करेंगे यहां पर दालों की, जहां पर हमने देखा है अरहर, मूंग और उड़द तीनों के ही भाव यहां पर एमएसपी के नीचे हैं. आवक यहां पर बड़ी है, सरकारी खरीद अभी तक हुई नहीं है, और इसके अलावा नेफेड की जो नीलामी है उसका भी असर यहां पर भावों पर है. इसके अलावा चेन्नई के रास्ते विदेशी दाल का इम्पोर्ट भी हमने यहां पर आते हुए देखा है, और वो आवक के साथ साथ सेंटिमेंट पर भी काफी बेयरिश नजर आया है. मनोज, आपसे यहां पर शुरुआत करेंगे. दालों में हमने प्रेशर बनता हुआ यहां पर देखा है, और जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, आगे भी आप कहेंगे कि दबाव यहां बना रह सकता है? बिल्कुल, दालों की अगर बात करें तो प्रेशर बरकरार ही रहेगा, क्योंकि जो सारी जो खरीफ की क्रॉप्स है वो एमएसपी के नीचे बिक रही है. दूसरा, चना भी जो पिछले मौसम की जो क्रॉप है वहां पे भी नाफेड की खरीदी की वजह से कहीं ना कहीं कीमतों में बार बार प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट अगर उठाव दिखाता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से सेलिंग का प्रेशर बढ़ जाता है. और दूसरा, इस बार भी जिस तरह का जो वेदर का कंडीशन है तो कहीं ना कहीं अब ये निकल कर आ रहा है कि जो सोइंग है चने की वो बढ़ सकती है, तो उस लिहाज से जो अगली जो क्रॉप है पल्सेस की वो भी अच्छी होने की संभावना है, तो उस लिहाज से कीमतों में दबाव ही जो है आगे भी देखने को मिलेगा. जहां तक चने की बात करें तो यहाँ पे एक बार अभी जो कीमतें हैं लगभग 4100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहां से और लगभग 50-100 रुपए की गिरावट आने वाले समय में देखने को मिलती है. रुपेश, आप क्या कहेंगे, दबाव यहां पर जारी रह सकती है और कितने समय तक? नहीं, डेफिनेटली पल्सिस में भी अगर देखें तो उड़द की अराइवल्स अभी कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी. नियर अराइवल्स नया क्रॉप भी अप्रोक्सीमेट देखें तो 10-15% के आसपास का कमजोरी बता रहा है, लेकिन सामने डिमांड अगर फैक्टर देखें तो देर इज नॉट डिमांड इन द मार्केट. मंडिया में भी आवक का प्रेशर इतना नहीं है, लेकिन जितनी भी आ रही है वो प्रेशर के हिसाब से दिख रही है मार्केट, बिकॉज लैक ऑफ डिमांड के हिसाब से. चने की बात करें तो चने में गवर्नमेंट के पास अभी जो माल पड़ा हुआ है, जो नाफेड के इसमें पड़ा हुआ है, उसका कंटिन्यूस प्रेशर मार्केट में दिख रहा है कि कभी भी ये बिकवाली आ जाएगी, कभी बिकवाली आ जाएगी. उसके ये प्रेशर
टेम्परेचर के हिसाब से भाव बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर अभी जो रवि सीजन की सोइंग शुरू हो जाएगी आफ्टर दिवाली के बाद में, उसका बड़ा फैक्टर रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है 4000 के नीचे चने की मंदी की गुंजाइश थोड़ी कम लग रही है, अपसाइड अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 रुपए के आसपास बढ़ सकता है, द बॉटम शुड बी अराउंड 4000 रुपीज। ओके, वो प्राइसेज हैं यहाँ पर। इसके बाद एक और यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब लेकिन लौटेंगे तो बात करेंगे कि किस तरह के प्राइसेज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जानेंगे अपने एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजीज। कमोडिटी आउटलुक पर आप बने हुए हैं। चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे दालों पर अब आपका इस खरीफ सीजन में क्या नजरिया है? मैं समझता हूँ सरकार के जो आंकड़े आए हैं 92.2 लाख टन्स, वो ज़रा सा ओवर एस्टिमेटेड है, कम से कम 10% ओवर एस्टिमेटेड है। मेरा अनुमान होगा 80 लाख टन का उत्पादन का, क्योंकि मैं न केवल एरिया, प्लांटेड एरिया को देख रहा हूँ, ऑल्सो वितरण, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जो खास अच्छा नहीं था इस साल, एंड देयरफॉर यील्ड में काफ़ी बाधा आया है और आना भी चाहिए। तो मेरा अनुमान होगा 80 लाख टन एंड नॉट 90 लाख टन जो सरकार बता रही है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। मगर इससे और एक रबी सीजन के लिए एक बड़ा कारण है, वो है एल नीनो। शायद 15 नवंबर का बाद अब सिग्नल मिल रहा है कि 15 नवंबर का बाद साउथ एशिया में एल नीनो का एक खतरा बढ़ रहा है। तो दिसंबर, जैन, फेब में शायद एल नीनो होगा, तो उसके वजह से बारिश कम होगा, विंटर रेन्स विल बी मच लेस, उसके वजह से चना का जो आउटपुट है, चना का उत्पादन है, चना का यील्ड है, उसके लिए खतरा है। तो इसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं चना में ज़रा सा बुलिश हूँ, क्योंकि पिछला साल का भी एस्टिमेट मैं समझता हूँ 15 से 20 लाख टन सरकार का एस्टिमेट है, ज़्यादा ओवर एस्टिमेटेड। तो मैं चना में 4500 रुपया तो होने का संभावना देख रहा हूँ मैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब भाव के बारे में बात कर रहे हैं, किसान की आमदनी के बारे में बात कर रहे हैं, मगर वी आर नॉट डिस्कसिंग कंजम्पशन, वी आर नॉट डिस्कसिंग डिमांड। एक दुख की बात है कि सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है टू एक्सपैंड द डिमांड फॉर पल्सेस, कंजम्पशन ऑफ पल्सेस को एक बढ़ावा देना चाहिए, उसके लिए हमें कदम उठाना चाहिए। सभी कमोडिटीज में वही एक चीज है कि मांग बढ़ने पर भी सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन एज ऑफ नाउ मौसम, प्रोडक्शन, आवक, MSP और ऑफ कोर्स फेस्टिवल डिमांड, काफी सारे फैक्टर्स हैं आगे यहाँ पर देखने के लिए। पर इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। चंद्रशेखर जी, मनोज और रुपेश, आप तीनों को आज जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें CNBC आवाज़। नमस्कार।